भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, अद्भुत कला और संस्कृति शामिल है। बता दें कि इस इतिहास में कई महान राजाओं की कहानी भी शामिल है, जिन्होंने भारत में कई बड़े किलों का निर्माण किया है, जो केवल संस्कृति तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि युद्ध के दौरान कई राजाओं, सेनापतियों जैसे महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इन किलों के निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए जानते हैं भारत के सबसे रहस्यमय किले की कहानी, जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। भानगढ़ किला अलवर। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमय किले में से एक है। ये किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर बसा हुआ है, जो देखने में बेहद भयानक लगता है और अपनी भूतिया किस्सों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में है। बता दें कि भानगढ़ किला एक तांत्रिक के शराब की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी रत्नावती देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया, तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा, लेकिन नाकाम हो गया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई और उसको कुचल कर मार डाला। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि कोई भी वहाँ नहीं रह पाएगा। शनिवार वाड़ा फोर्ट भारत के सबसे डरावने किले में से एक है, जिसे 1732 में पेशवा बाजीराव के सम्मान में बनाया गया था। शनिवार वाड़ा किला पुणे में स्थित है, जो डरावनी घटनाओं की वजह से प्रसिद्ध है। पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात के समय किले से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। रोहताशगढ़ का किला। यह किला बिहार के रोहताश जिले में स्थित रहस्यमय किलों में से एक है। बता दें कि किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिचंद्र के पुत्र रोहताशव ने करवाया था। यह किला समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। कई स्थानीय लोगों के अनुसार माना जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और रात में जोर जोर से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है, जिसके पीछे का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चुनारगढ़ का किला इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। बता दे कि चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है। स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है इस किले में योगी राज भर्तृहरि ने समाधि ले ली थी, जिनकी आत्मा आज भी इस किले में वास करती है। इस किले के निर्माण के पीछे का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी का चिन्ह है। गढ़कुंडार का किला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित गढ़कुंडार का किला भारत के सबसे डरावने किले में से एक है। ये किला कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है और भारत में इस किले से जुड़ी डरावनी कहानियां प्रसिद्ध है। बता दें कि एक बार इस किले में एक बारात के लगभग 70 से 80 लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे, जिनका पता आज भी नहीं लगाया जा सका है कि वो लोग कहां गायब हो गए। इतना डरावना होने के बावजूद भी यहां पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जाती है। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।